हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के जनपद के व्लॉग में ये वाला व्लॉग ना बहुत ही कलरफुल होने वाला है क्योंकि सारी यू you नो know, बोहो बंजारा आइटम्स और गुजराती लेन को भी मैं पर्सनली विजिट करने वाली हूँ यहाँ पर आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी क्या क्या आपको बड़ी आइटम्स मिलती है हम ऐसे हैंडीक्राफ्ट की आइटम्स भी देखेंगे आज इनफैक्ट शॉप्स के अंदर जाके देखेंगे क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि ये बहुत महंगी शॉप्स होती हैं मैं कभी नहीं जाती थी लेकिन मुझे लगा कि नहीं दिस टाइम मुझे एक्सप्लोर करना है और अपने व्यूअर्स को भी दिखाना है कि इनके प्राइस कैसे रहते हैं और अंदर क्या क्या सामान मिलता है कैसी कैसी ज्वेलरी मिलती है क्या कलेक्शन रहता है और प्राइस के साथ मेंशन करके बताऊंगी ताकि आपको अवेयरनेस हो आपको पता चले कि जनपद हम जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रीट शॉपिंग करनी है क्या हम शॉप से शॉपिंग कर सकते हैं क्या हमें कम प्राइस में यहाँ सामान मिल सकता है क्या बागनिंग हो सकती है इन सब क्वेश्चंस के आंसर ना आपको इस व्लॉग में मिलने वाले हैं तो पूरा व्लॉग ना आप एंड तक देखिएगा आपको हर आर्टिकल का प्राइस भी पेंशन कर दूँगी और ये भी आपको पता चल जाएगा कि आपको यू you नो know, आप जब विजिट करें तो आपको इन पर जाना है आपको मतलब क्या लेना है आपको एटलीस्ट यू नो आपको कलेक्शन तो दिख ही जाएगा अच्छे से तो आइए स्टार्ट करते हैं जनपद मार्केट पहुंचने के लिए आप मेट्रो से गेट नंबर दो से एग्जिट करना मैंने वन से किया था मुझे घूम के आना पड़ा तो मैं आपको बता रही हूँ दो से एग्ज़िट करना और ये देखिए माला देरी थी गुड़िया पचास की एक मैंने पचास की दो ली एंड मुझे लग रहा था मैंने बड़ी अच्छी डील लिया लेकिन आगे जाके पता लगा कि चार भी मिल रही थी चलिए कोई बात नहीं नेक्स्ट शॉप पर मूव करते हैं देखो वन में ना इस शॉप पर देखो ऐसे टॉप्स लगे हुए हैं वन फिफ्टी में टू हंड्रेड में आपको एक्सपोर्ट सरप्लस का अच्छा सामान मिल जाता है यहाँ पर ये देखो ये साढ़े तीन सौ में और इसका ना फैब्रिक बहुत अच्छा था इस प्लाज़ो का मेन पॉइंट ना कि एक्सपोर्ट सरप्लस का सामान ना एक तो कम बजट में मिलता है और अच्छा मिलता है देखो डेढ़ सौ रुपये के टॉप सिखा रही हूँ मैं आपको इसमें काफ़ी अच्छा कलेक्शन था मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा आप अपनी चॉइस के हिसाब से साइज के हिसाब से इसमें से देखो ऐसे बढ़िया से बढ़िया सामान लेके जा सकते हैं तो शॉप्स पे भी ले सकते हैं फ्रेश आर्टिकल्स मिल रहे हैं सबसे अच्छी बात तो ये थी तो आइए आप नेक्स्ट शॉप को एक्सप्लोर करते हैं ये बड़ी कलरफुल शॉप लग रही थी तो मैंने देखा देखो फ्रिज मैगनेट्स हैं सौ रुपये के दो यानी कि पचास रुपये की आपको एक मिलेगी इसमें कोई भागे नहीं क्योंकि इन्होंने लगा रखा था मतलब इनका फिक्स प्राइस था उसके बाद आपको यहाँ पे धूप वगैरह मिल जाएगी और ये जो शॉप है ना इसमें ना इतने आर्टिकल्स हैं कॉपर और ब्रास के ना भगवान की मूर्तियाँ और विंड चेंस बहुत ज़्यादा इनके पास अच्छा मटीरियल था प्राइस मैं आपको बताती जाती हूँ जो मैंने पूछे ये देखो सबसे पहले मुझे मैंगनेट सीखी सेवेंटी फ़ाइव रुपीज़ की ईच है और ये ना बड़ा जैसे उभरा हुआ वर्क होता है ना इनग्रेव टाइप का जैसे देखो समोसे लड्डू विन चेंस मिल जाएंगे सिर्फ डेढ़ सौ और दो सौ की दो रेंज थी इनके पास तो आपको कम बजट में मिलता है यहाँ सामान ऐसा कुछ नहीं है उसके बाद देखो फिर मैंने नेक्स्ट शॉप एक्सप्लोर की ये वाली तो अगर आपको जैसे कुर्तीज़ पहननी है चिकनकारी तो देखो तीन सौ रुपये में ना यहाँ मिल जाएगी ढाई सौ रुपये में आपको स्कर्ट्स मिल जाएंगी इन व दो सौ रुपये की सेल में भी आपको स्कर्ट्स मिल जाएंगे जो काफ़ी अच्छी लग रही थी आर्टिकल सारे फ्रेश लग रहे थे तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं उसके बाद ये हैंडी क्राफ्ट की शॉप थी जो मुझे हमेशा बड़ा डर सा लगता था अंदर जाने में कि पता नहीं कितना कितना रेट कोट करेंगे कितना महंगा बताएंगे बट नहीं मैंने कहा नहीं आज तो मैं जाऊंगी और मैं इस शॉप का एक्सप्लोर कर रही हूँ आपको सारे आर्टिकल्स दिखाती हूँ आप आराम से देखिए और सबके प्राइजेस सुनते जाइएगा ये देखिए ये बॉल्स हैं कितनी ही सुंदर लग रही हैं आप इसे होम डेकोर में यूज़ कर सकते हैं ये बॉल मैं बता रही हूँ कि मैंने कितने में ख़रीदी हैं मैंने साढ़े तीन सौ में चार ली हैं बार्गनिंग के बाद यानी कि आपको हंड्रेड की बोलेगा या कोई वन फिफ्टी बोले का बोलेगा मैंने साढ़े तीन सौ में चार लिया बताना कैसी डील है और उसके बाद आपको ऐसे ज्वेलरी बॉक्सेस मिल जाते हैं इसमें ना अलग अलग हैं जैसे कश्मीरी का अलग वर्क मिलेगा कश्मीर का इंस्पायर्ड तो ना यहाँ पर देखो आप आर्टिकल्स देखिए कोई हज़ार कोई पंद्रह सौ मतलब आपको ये वाली रेंज तो देखो इतना तो एक्सपेक्ट रहता है जनपद मार्केट है तो इतना तो रहेगा बट एक बार इन्वेस्ट करोगे ना चीज़ में तो लगेगी चीज़ की हाँ घर में रखी हुई देखो ये बॉस कितनी प्यारी थी मैं फिर से दिखा रही हूँ मैंने ये दो बॉल्स खरीदी मतलब दो क्या मैंने चार लिया हैं एक्चुअली तो मम्मी मेरे साथ थी और उसके बाद आपको देखो ये सारा सामान ना मिलेगा आप चेस लवर है आप इसे मतलब चेस को ना खेल भी सकते हो आप एज अ होम डेकोर यू नो भी यूज़ कर सकते हो आपको ये पेन स्टैंड्स मिलेंगे मैंने पूछे अंकल से सिक्स हंड्रेड का बता रहे थे अंकल मगर क्योंकि मैं इनकी फर्स्ट कस्टमर थी तो अंकल बिल्कुल रेडी थे मुझे देने में उनको बोनी करानी थी तो उन्होंने मेरे साथ बार्गनिंग भी करी और ये देखो सिंदूर की डिब्बिया अंकल ने दो सौ रुपये की बताई लेकिन वन फिफ्टी पे मान गए थे इसमें तीन निकलती है एक के अंदर एक है इसमें इनके पास काफ़ी सारे कलर्स ऑप्शन थे ये दिखा रहे थे कोई भी कलर ले सकते हैं ये है देखो मिरर वाला वर्क हो रखा है लेकिन कश्मीरी स्टाइल वाली डिब्बी भी थी वो भी टू हंड्रेड की थी बट उसके अंदर डिब्बी के अंदर डिब्बी नहीं थी थोड़ी सी चौड़ी डिब्बी थी उसके बाद देखो हाँ ऐसे वाले बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे ये जो बॉक्सेस का जो प्राइस है, है।, है।, है ये सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड रहेगा आप इसमें ज्वेलरी रख सकते हैं आप होम डेकोर यूज़ कर सकते हैं ये कश्मीरी स्टाइल जो मैं आपको बता रही हूँ ना ये वो वाली डिब्बी है इनके साइज़ के हिसाब से इनके प्राइजेज हैं तो यहाँ पे ना आपको ऐसा प्यारा प्यारा सामान देखने को मिलेगा ये देखो ये छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं बट ये रखे हुए बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं होम डेकोर के लिए और इनका जो प्राइस है ये अंडर वन थाउजेंड है ये जितने आपको टोटल्स दिख रहे हैं और इसके बाद मैं आपको और भी दिखाती हूँ मैंने एक एलिफेंट्स का भी देखा मार्बल के एलिफेंट्स देखे इवन वुडन टाइप का भी मतलब बहुत सारा इनके पास आर्टिकल ये देखो ये ना अंकल जो रेडी हुए लास्ट बार्गिन करने के बाद बहुत सारा दो हज़ार में रेडी हो गए थे दो एलिफेंट्स से निकले कि कितने डेकोरेटेड है आप घर में रख दोगे ना मतलब जितने भी साल नहीं तोड़ोगे तो कितने मतलब हमेशा ना लगेगा एक आर्टिकल की चीज़ रखी हुई है घर में और उसके बाद आपको ये ऐसी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ये सब आपको गुजराती लेन में मिलेगा ये गुजराती लेन की शान है तो यहाँ पर आपको ये वाली सारे इंस्टाग्राम वाली ज्वेलरी भी मिल जाती है और इनमें भी आप बार्गनिंग कर सकते हैं बार्गनिंग आप आराम से कीजिए जो बेस्ट प्राइस होगा आपको भी ठीक लगे उनको भी कंफर्टेबल हो तो आप ले जाइए बाकी मैं ज्वेलरी की बात करूँ यस पीसेस बहुत सुंदर थे आप बैंगल्स के डिज़ाइन देखिए आप बाकी सेट्स के डिज़ाइन देख सकते हैं इयर भी बहुत प्यारे प्यारे थे मैं आपको जितना कवर हो सकता है ना मतलब मैं दिखाती हूँ आपको इस व्लॉग में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सारे आर्टिकल्स अच्छे से दिखाऊं बैंगल्स भी प्यारे लग रहे थे और देखो बागनी ना ज़रूर कर करिएगा रेट्स इनके थोड़े से हाई एक बार को आपको सुन के लगेगा बट घबराइए मत पता है आप अपना बेस्ट करेंगे ना कोट ये मान जाते हैं मैंने जो जो आर्टिकल्स ख़रीदे हैं ना मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन सी चीज़ कितने में बाय की है ये देखो बताएंगे थोड़ा सा ज़्यादा लिटिल बिट लेकिन आप अपना डाउन करके आइए आपको फिट बैठेगा तभी तो आप लेंगे आपके बजट पॉकेट में रहेगा उसके बाद देखो आपको ना ये वाले ना ऑक्सीडाइज झुमकियाँ मिल जाएंगी जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी पिटी लग रही थी लेकिन ऑफकोर्स आप किसी एथनिक वेयर के साथ ही इन्हें मतलब कैरी कर सकते हो डेली वेयर के हिसाब से तो नहीं है बट उस हिसाब से भी आपको छोटे वाले एयर रिंग्स मिल जाएंगे मतलब मार्केट में कलेक्शन बहुत सारा है तो मैं आई आई एम जस्ट गिविंग यू व्यू कि आप कैसा कैसा आप ले सकते हो देख सकते हो देखो ये ना रियल ना स्टोन्स के हैं तो इनका जो प्राइस था ना बहुत थाउजेंड रुपीज़ भैया ने कोट किया लेकिन वो रेडी थे बार्गनिंग करने के लिए और रियल स्टोन्स लगे तो थोड़ा सा महंगा लगा मुझे बट एक्चुअली मेरा चीज़ भी लग रही है तो आपको ऐसी चीज़ ना मिलेंगी वहाँ पर आप थोड़ा सा मतलब अगर मन बने ना तो आप अगर मूड में है ना लेने के लिए, तो ये भी देने के लिए फुल उसमें रहती हैं उसके बाद देखो ये वाले जितने भी है ना ये थ्री हंड्रेड की रेंज में है और मैंने तीन सौ रुपये ही पे किए हैं मैंने कौन से वाले ख़रीदे मैं वो भी दिखा दूँगी ये भी देखो स्टोन लगा हुआ है स्टोन की वजह से ना काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है और ये मुझे ना ऐसा लगा कि बड़ा यू you नो know, आप वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हो ऑफिस में भी वेयर कर सकते हो मतलब बहुत अच्छी जूली लगी और ये भैया बता रहे थे ब्रास की है ख़राब नहीं होगी आप ले जाइए तो मुझे ये इंस्टाग्राम वाली लगी और लगा कि वेरी नाइस तो हम बाय कर सकते हैं उसके बाद ये ऑक्सीडाइज रिंग थी सिर्फ सौ रुपये की मैंने खुद ख़रीदी और इन भैया जी के पास भी बहुत सारा होम डेकोर यू नो घर के लिए आप ले सकते हैं रनर्स ले सकते हैं कोस्टर्स ले सकते हैं ये देखो ये रनर भी ना एकदम वर्क वाला है ये इसके मैंने साढ़े पाँच सौ दिए जब मैंने दिए मैं आपको वो बता रही हूँ बोले तो उन्होंने नौ सौ रुपए थे ठीक है ना तो ये बार्गनिंग चलती है और ये मुझे हंड्रेड में थ्री देने के लिए रेडी हो गए थे जबकि बताया बहुत ज़्यादा रेट था तो आप बोला था कोई भी ले लो सौ रुपए के तीन जैसे पम्पकिन है हेलो थीम के हिसाब से यू नो अगर क्रिसमस है तो उस हिसाब से आप मतलब ले सकते हैं जैसे भी आपकी चॉइस है बच्चों के हिसाब से आप ले सकते हैं जो भी आपका मतलब थीम रहेगा उसमें मतलब आप ऐसे टेबल रनर्स भी ले सकते हैं प्राइजेस की बात करूँ फोर टू सिक्स हंड्रेड की रेंज में आपको मिल जाएंगे इनफैक्ट मैं तो मतलब बोलूँगी आप कोशिश करिए आप तीन साढ़े तीन सौ में लेके जाइए उसके बाद मतलब आपको ये बैग्स मिल जाएंगे तो यहाँ पे ना गुजराती यू you नो know, आपको बहुत देखने को मिलेगा मतलब उस कल्चर से इंस्पायर्ड चीज़ें वर्क देखो ये पैच वर्क है आप डैनियम के जैकेट्स पे लगा सकते हो चोली पे लगा सकते हो मतलब यू कैन क्रिएट मैनी थिंग्स और अगर आप यूज़ करेंगे तो तो इनमें पूरा हैंडवर्क हो रखा होता है इनकी स्पेशलिटी यही है कि ये पूरा हैंडवर्क है और उनको एक्चुअली में बहुत टाइम भी लगता है बनाने में तो प्राइसेस इसलिए थोड़े ज़्यादा रहते हैं बट वो भी बोलते हैं कि आप अपना प्राइस बोलो आप अपना प्राइस बोलो तो जो भी आपको ठीक लगे आप बोल दीजिएगा उसके बाद ये वॉल पे हैंग करने के लिए मतलब ये पूरी पूरी ना ऐसे लंबे लंबे कारपेट्स लग रहे थे मुझे तो चद्दर तो बोला नहीं ये वॉल पे ना हैंग करते हैं डेकोरेट करते हैं रूम को तो आप ऐसा भी कुछ ले सकते हैं प्राइस बता देती हूँ साढ़े आठ कोट कर रहे थे मुझे नहीं लेना था इसलिए मैंने बार्किंग नहीं किया एंड uh, आप ये वाले रनर्स मैंने आपको दिखाए मैंने फाइव फिफ्टी की रेंज में लिए हैं तो आप आराम से इनको भी कंसिडर कर सकते हैं ये बहुत ब्यूटीफुल हैं क्योंकि इनमें बिल्कुल यू नो बीड्स लगे हुए हैं छोटे छोटे मोती कुशन कवर्स भी हैं इनफैक्ट आप कुशन कवर्स भी ले सकते हैं और देखिए कितने ही प्यारे कलर डिज़ाइन इसमें अवेलेबल हैं एक कुशन कवर भी अगर अपने मतलब रूम में ना कहते हैं ना जान आ जाएगी तो आप अपने लिविंग रूम में अपने बेडरूम में कहीं पे भी इनको थीम के हिसाब से रख सकते हैं मुझे ये वाले काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो ये मुझे फोर हंड्रेड का एक पीस देने के लिए रेडी हो गए थे बताया तो ज़्यादा था बट आठ सौ के दो लग गए थे और ये अगेन टी कोस्टर्स हैं इनके डिज़ाइंस मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको कैसे कैसे मिल जाते हैं स्ट्रॉबेरी देखिए तो चीज़ें तो आपको ना एक से बढ़कर एक मिलेंगी और एक बात मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना लेकिन आपकी चीज़ भी अच्छी बनती है जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना कि ऐसी चीज़ें और मार्केट्स में नहीं मिलती हैं इवन फॉरनर्स भी यहाँ से शॉपिंग करके जाते हैं अरे यार चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कर दो यार शेयर करना कॉमेंट कर सकते हो आप दिल बना देना यार अच्छा लगे तो छोटा सा हार्ट बना के छोड़ देना ये बैग्स ना बहुत बहुत प्यारे लगते हैं लेकिन प्राइजेस थोड़े से ज़्यादा हैं ट्वेंटी एट हंड्रेड का बताया एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है मतलब बनाने में हैंडीक्राफ्ट है आप अपना बेस्ट प्राइस लेके बता के इनसे शॉपिंग कर सकते हैं ब्लॉग प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है ना यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना यू नो आई नोटिस कि लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना आई रियली really रिक्वेस्ट और उसके बाद आप देखो ऐसे रनर्स आप देख सकते हो आपको ये सारी चीज़ें ना सारी चीज़ें आराम से इस मार्केट में मिल जाएंगी तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में और ये सब आपको वही फ़ाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड बोलेंगे आपको फोर हंड्रेड तक इनको स्ट्रेच करके आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लेना और उसके बाद क्वेश्चन रनर्स शॉप नंबर एलेवन है इनका तो होलसेल का भी काम है मतलब जितने पीसेस लेना चाहो ये भैया आपको उतने पीसेस प्रोवाइड करा देंगे मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में बाय